नमस्कार, आप देख रहे हैं परवाह देश की। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। गाजा और यूक्रेन के युद्ध का फायदा उठाकर चीन ताइवान पर हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका है। ग्लोबल टाइम्स में अमेरिका को डराने वाली रिपोर्ट छपी है, जिसमें साफ लिखा है कि अब ताइवान में चीन का विस्फोट होने वाला है। अमेरिका गाजा और यूक्रेन के युद्ध में फंसा है। बाइडेन कतई नहीं चाहेंगे कि महायुद्ध का तीसरा मोर्चा खुल जाए, लेकिन जिनपिंग यही चाहते हैं। देखिए, गाजा यूक्रेन मौका, चीन का ताइवान पर कब्जा। दुनिया गाजा में फंसी, शी ने ताइपे वाली चाल चली। समंदर पर दौड़ाई टैंक, चाइना सी में शी का आतंक। समंदर में अदृश्य हथियार, ताइवान में मचेगा हाहाकार। एशिया में अमेरिकी ब्रह्मास्त्र, शी नहीं रुके तो महाविनाश। दुनिया के बीचों बीच मिडिल ईस्ट में हमास और इजराइल लड़ रहे हैं। अमेरिका और ईरान बाहर से हथियार दे रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच यूरोप का महायुद्ध चल रहा है। नाटो देश और ईरान बाहर से हथियार और मदद दे रहे हैं। लेकिन एशिया में चीन और ताइवान की जंग में चीन और अमेरिका की जंग होगी। बीते कुछ दिनों से चीन की हरकतें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जंग अब ज्यादा दिन नहीं टलेगी। गाजा युद्ध की शुरुआत होते ही चीन ने अपना ताइवान प्लान एक्टिव कर दिया है। ताइवान पर चीन का सैन्य शिकंजा कसता जा रहा है। चीन ने ताइवान स्ट्रेट में अपने सबसे गुप्त हथियार को चुपचाप लॉन्च कर दिया है। चीन ने अपनी अदृश्य सबमरीन यानी स्टेल्थ टाइप 039C को पानी में उतार दिया है।
चीन ने ताइवान स्ट्रेट में एटम बम से लैस एक अदृश्य सबमरीन उतार दी है। ऐसी सबमरीन जिसकी ताकत के बारे में अब तक किसी को कुछ नहीं पता। सिर्फ इस बात के अलावा कि यह चीन की सबसे आधुनिक सबमरीन है, जो एक बार समंदर में गोता लगा ले तो उसे ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। चीन की स्टेल टाइप 039C सबमरीन के बारे में सिर्फ इतनी जानकारी है कि इसे वुहान में बनाया गया है और शंघाई में असेंबल किया गया है। चीन की यह सबसे आधुनिक सबमरीन समंदर में गायब हो जाती है और इसके सोनार सिग्नल पकड़ में नहीं आते। चीन की नई सबमरीन न्यूक्लियर वॉरहेड वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। पानी के अंदर सबसे आधुनिक और दुश्मन की आंख से ओझल हो जाने की ताकत रखने वाली स्टेल्थ सबमरीन और पानी के ऊपर ऐसे टैंक जो जमीन पर दौड़ते हुए भी धमाका करते हैं। समंदर की लहरों पर तैरते हुए भी पीएलए ने शी के ताइवान फतह के सप्ते का फुल वॉर रिहर्सल किया। चारों तरफ से समंदर से घिरे द्वीप पर हमला करने के लिए पीएलए ने मगरमच्छ और मेंढक युद्ध का प्लान बनाया है। ताइवान पर हमला करने के लिए चीन ने ऐसे उभयचर हथियार तैनात कर दिए हैं जो जमीन, समंदर और दलदल तक पर दौड़ सके और ताइवान को धमाकों से दहला दे। इस वक्त दुनिया के दो बड़े युद्ध हो रहे हैं। जंग के दोनों मोर्चों पर अमेरिका के हथियार और अमेरिकी डॉलर भस्म हो रहे हैं। शी जिनपिंग इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। ड्रैगन ने ताइवान को निगल लेने की तैयारी कर ली है। चीन के फाइटर जेट्स बिना नागा ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ कर रहे हैं। चीन के जंगी जहाज ताइवान को घेरने और डराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ब्लू बैटल लड़ने के लिए चीन हर रोज नई वॉर मशीनें समंदर में उतार रहा है। और अब चीन ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने अमेरिका के सबसे शक्तिशाली शस्त्र की शक्ति पर ही सवाल उठा दिया है।
पीएलए ने दावा किया है कि उसकी हाइपरसोनिक मिसाइलें अमेरिका के सबसे एडवांस और दुनिया के सबसे आधुनिक B-21 स्टेल्थ बॉम्बर को भी मार कर गिरा सकती है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने एक रिपोर्ट में लिखा कि चीन के जियान में नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ने पीएलए के साथ मिलकर तीसरे विश्व युद्ध का सिमुलेशन तैयार किया और इस सिमुलेशन में चीन की नई हाइपरसोनिक मिसाइल ने अमेरिका के B-21 स्टेल्थ बॉम्बर को गिरा दिया। बीते कुछ दिनों में चीन ने हाइपरसोनिक स्पीड से सटीक अटैक करने वाली ऐसी मिसाइलें तैयार और तैनात की हैं, जो खास तौर पर अमेरिका के स्टेल्थ विमानों को ट्रैक करने और मार गिराने में सक्षम है। इसका सीधा मतलब यह है कि चीन उस जंग की तैयारी कर रहा है जिसमें अमेरिका को एटम बम से लैस B-21 स्टेल्थ बॉम्बर जैसे विनाशक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चीन तेजी से ताइवान को फाइटर जेट, वॉरशिप और सबमरीन से घेराबंदी करता जा रहा है। पीएलए का प्रोपेगेंडा सेल बार बार ऐसी खबरें दे रहा है जिनसे लगे कि चीन ने अमेरिका के हर अभेद्य अस्त्र का तोड़ निकाल लिया है। साफ तौर पर चीन बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है, लेकिन झूठ बोलकर डराने वाली चीनी चाल को अमेरिका भी समझता है। इसलिए ताइवान पर शिकंजा कसते चीन को जवाब देने के लिए अमेरिका ने भी बड़ी तैयारी की। ताइवान के चारों तरफ कसते चीनी घेरे को तोड़ने के लिए अमेरिका ने फिलिपीन एयरफोर्स के साथ ताइवान से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर जबरदस्त वॉर एक्सरसाइज की थी। इस युद्ध अभ्यास में अमेरिका और फिलीपींस ने फाइटर जेट से चीनी हमले का जवाब देने का फुल वॉर रिहर्सल किया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। चीन के बढ़ते कदम को देखते हुए पहली बार अमेरिका ने एशिया में अपने ठिकानों पर टॉम हॉक मिसाइल तैनात कर दी। टॉमहॉक लंबी दूरी की सभी मौसम में मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। अमेरिका की जीपीएस तकनीक से लैस टॉमहॉक मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि एक बार दाग देने के बाद ये टारगेट को तबाह करने से चूक नहीं सकती। टॉमहॉक मिसाइल अमेरिका का सबसे भरोसेमंद हथियार है, जिसका अब तक 2000 से ज्यादा बार इस्तेमाल और 500 से ज्यादा बार परीक्षण हो चुका है। 6 मीटर लंबी और करीब 1.5 टन वजन वाली एक क्रूज मिसाइल अपने साथ 454 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है। दूर से हमलों के लिए टॉमहॉक मिसाइल बहुत ही सटीक हथियार है। इस क्रूज मिसाइल की रेंज 1250 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर के बीच है। टॉमहॉक मिसाइल अपने लक्ष्य तक सीधे रेखा में नहीं जाती है, इस वजह से टॉमहॉक को किसी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए बीच रास्ते में गिराया नहीं जा सकता है। टॉमहॉक मिसाइल बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है और बिना दुश्मन की रडार पर आए उसकी वॉर मशीनों को तबाह कर सकती है। समुद्री रास्ते से होने वाले चीन के हमलों का जवाब देने के लिए जापान ने अमेरिका से 400 टॉमहॉक मिसाइलें खरीदने की डील की है, लेकिन अब अमेरिका ने खुद जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के आसपास अपने मिलिट्री बेस पर टॉमहॉक मिसाइलों का जखीरा भेज दिया है। अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल चीन के जंगी इरादों के रास्ते का रोड़ा है, लेकिन जिनपिंग जानते हैं अगर ताइवान पर कब्जा करता है तो इसके लिए इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा। 2 महायुद्धों में फंसे अमेरिकी राष्ट्रपति तीसरे महायुद्ध में कूदने से पहले 100 बार सोचेंगे।
इसीलिए पिछले कुछ दिनों में समुद्री और हवाई हमलों के साथ चीन ने ताइवान को लेकर अपने जंगी इरादे दुनिया को दिखा दिए। चीन की वॉर एक्सरसाइज में चीन के लड़ाकू विमानों के साथ रूस के लड़ाकू विमान भी ताइवान की सीमा में दिखाई दिए। ताइवान की वायुसेना ने ताइवान स्ट्रेट के ऊपर एक बार फिर चीन के फाइटर जेट देखने का दावा किया है। ताइवान एयरफोर्स ने हर बार की तरह इस बार भी चीन के J-10, J-11, J-16 फाइटर जेट इंटरसेप्ट किए, लेकिन इस बार चीन के फाइटर जेट्स के साथ सुखोई 30 के साथ H-6 बॉम्बर भी दिखाई दिए। ताइवान स्ट्रेट में चीन के साथ रूस के फाइटर जेट्स की उड़ान ने महायुद्ध की आशंका बढ़ा दी। क्या यूक्रेन की जंग में रूस कमजोर पड़ा तो साउथ चाइना सी में महायुद्ध का नया मोर्चा खुल जाए? क्या अमेरिका के दुश्मन नंबर एक रूस की मदद से चीन ताइवान पर अटैक करने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।